बंदाओं सत्य कबीर को निर्भय ज्ञान प्रकाश, पक्षपात से जो रहित तजग बंध निराश। बंदाओं निर्मल संत जन दया विवेक विचार, शुभ गुण संयुक्त हंस पद करत जीव उपकार। प्रोध प्रदाता सदगुरु बंदाओं बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष से दरस्यो सार असार। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहेब कीज, संत भगवान कीज। अभी हम सब संत श्री धनंजय साहब के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातों को हम लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, अभी बोल रहे थे ना, कच्चे आम चिकने होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन होती है लेकिन मीठे होते हैं। अब बुजुर्ग लोग पक गए हैं, समझो बुजुर्ग लोग पक गए हैं, बाल भी पक गए हैं, सब सफेद हो गए हैं, तब अब मीठे हो जाने चाहिए, मीठे हो जाना है, खट्टे नहीं बने रहना है। सिकवा शिकायत अब बंद, अब जो भी है मीठा रस टपकाना है। वैसे बाल पकने से ही कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हो जाते हैं, बाल अनुभव से पकना चाहिए। जीवन में जो सुख दुख अनुभव किए हैं, संसार के सुख दुख को तो देख लिए ना, अब तो पता चल गया है कि सुख है कि दुख है, सुख ज़्यादा मिला कि दुख ज़्यादा मिला, और क्या मिला, सुख मिला कि दुख मिला, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब जान गए हैं कि जिससे दुख मिला है तो उसका त्याग करते चले, छोड़ते चले, अब उसी को पकड़े नहीं रहना है, संसारिकता में ही बंधे नहीं रहना है, अब धीरे धीरे त्याग करते चले, अब अनुभव से मन को पकाने का काम करना है। शरीर को प्रकृति पकाती जा रही है, पका रहे हैं, काले बाल थे अब सफेद हो गए, 32 दांत दिखाते थे अब सब झड़ गए, गिनती के 2-4 रह गए, आंखों में चश्मा, कानों से कम सुनाई और चाम में सिकन। हमारे संत जी कह रहे थे ना, आम में सिकन होती है तो मीठे हो जाते हैं, ये हम लोगों को संकेत कर रहे हैं प्रकृति की, अब पक गए हो, मीठे हो जाओ, लग जाओ भजन भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्संग में, छोड़ते चलो, छूटती नहीं है, छूटती है नहीं छूटती है, छूट जाए तो फिर जीवन बदल जाए, दृष्टि बदल जाए तो दशा ही बदल जाए, लेकिन छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी आशा है संसार से कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख जो दुनिया में माने बैठे हैं वो सारे खुशी सारे सुख झूठे हैं, लेकिन सच मानते हैं। क्यों? क्योंकि आशा लगी हुई है कि शायद अब तक नहीं मिला तो अब शायद
पके बाल में मिल जाए, काले बाल में नहीं मिला तो पके बाल में मिल जाए। कबीर साहब ने बढ़िया ढंग से कहा इसी को, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, और जगत चबैना काल की कुछ गोद। मौत की तरफ जा रहे हैं लेकिन सांसारिकता में सुख माने हुए बैठे हैं कि अब तक नहीं मिला कोई बात नहीं अब मिलेगा। लेकिन सज्जनों जब आप अनुभव से देखोगे कि आज तक क्या मिला तो दुख के छोड़ कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन हम उन चीजों को नकारना चाहते हैं, उन चीजों को नकारना चाहते हैं, उसमें हम सुख ढूंढना चाहते हैं। जिसमें दुख भरा है उन चीजों में हम सुख ढूंढना चाहते हैं। तो अभी पके नहीं हैं, जब अनुभव पक्का होगा और अनुभव से जीने लगेंगे तब बुजुर्ग माने जाएंगे, तब पका हुआ मन हमारा होगा। ऐसे बाल पकने से वैसे कहा जाता है कि सभा में, सभा वैसे बुजुर्गों से ही शोभायमान होते हैं। जहाँ सभा में बुजुर्ग लोग ना हो तो सभा सभा नहीं है। अभी सभा में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं तो ये अच्छी सभा है, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, महफिल अच्छी सजी हुई है। लेकिन अनुभवी होना चाहिए, बुजुर्गों को अनुभवी होना चाहिए तब उसका महत्व है। एक जगह एक लड़के की शादी थी, शादी तय हो गई लेकिन लड़की वालों ने कहा कि देखो भाई शादी तो हो गई लेकिन बारात में कोई बूढ़े नहीं आएंगे, बुजुर्ग नहीं आएंगे, कोई बुजुर्ग नहीं आएंगे, पक्के बाल वाले कोई नहीं रहेंगे, सब जवान जवान लोग ही रहेंगे, नवयुवक ही रहेंगे। लोगों ने कहा ठीक है भाई, ऐसे भी बारात में बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है, नौजवान लोग रहेंगे, सब जाएंगे नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे खाएंगे पिएंगे ऐस करेंगे और क्या। तो बुजुर्ग तो वो तय हो गई शादी, मान गए ठीक है। अब बारात चली गई, जाने की तैयारी थी, अभी गई नहीं है, समय है लगन, अभी थोड़ा समय है। तो जब जाने की तैयारी हुई तो लड़के के नाना ने कहा कि भाई मैं तो बारात में चलूंगा, एक ही मेरा तो नाती है, अब उसके भी बारात में ना जाऊं मैं तो चलूंगा। लोगों ने बताया भाई कि ये शर्त है कि कोई बुजुर्ग नहीं होंगे, और आप कहते हैं कि मैं चलूंगा चलूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, नाना ने कहा ना ना, अब उसी को कहते हैं नाना। नाना ने कहा नहीं मैं तो चलूंगा चाहे जो हो। लोगों ने कहा यार बड़ा अजीब बात है, कैसे करें। तो लोगों ने युक्ति निकाला, कोई जब बारात जाते हैं तो बड़ा कुछ पात्र भी रहता है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कहा जाता है उसको, ऐसा बांस का बनाया जाता है, झापी जी से कहते हैं, इधर क्या कहते हैं पता नहीं। तो उस बूढ़े को, उस नाना साहब को उसमें बिठा दिया और उसी में बैठ गया, आ गया उसमें, बड़ा था, बड़ा सा बनाया गया था। अब चले गए, बारात चली गई, बारात चली गई, अब बारात के स्वागत करने का समय आया, लड़की के यहाँ प्रवेश करने का समय आया। उसी समय लड़की पक्ष वालों ने कहा, बगल में नदी थी, लड़की पक्ष वालों ने कहा कि ऐसा है ये जो नदी बह रही है, नदी में जो पानी बह रहा है, ये आप लोग पानी के जगह दूध बहा दो और बेटी ले जाओ। लोगों ने कहा कि भाई नदी में इतना पानी है और पानी की जगह पर दूध कैसे बहाए। लड़की वालों ने कहा कि भाई नहीं ऐसे तो बेटी नहीं देंगे, ये पानी की जगह तुम दूध बहा लो और बेटी ले जाओ। बड़ा मुश्किल, ये तो असंभव वाली बात है।
लड़कों ने कहा भैया बस बेटी नहीं ले जा पाएंगे, बारात लौटाया जाए, बारात लौटाया जाए। लौटने की तैयारी हो गई, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, इतना तो दूध है नहीं कि पानी की जगह नदी में दूध बहाया जाए। अब लौटने की तैयारी हो गई, अब चलो 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 चलो। उसी में किसी ने याद दिलाया कि भैया अब तो लौट ही रहे हैं तो कम से कम उस नाना साहब को तो निकाल दो, अंदर जो बंद कर दिया उसको तो निकाल दो, अब तो ऐसे भी लौट ही रहे हैं। तो उसको बाहर निकाला गया। नाना साहब ने कहा कि तो कैसे भाई, बारात का तो अभी स्वागत हुआ नहीं है, अभी तो पहुंचे नहीं, लड़की के घर में प्रवेश नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि लड़की पक्ष वाले लोग कहते हैं कि जो बगल में नदी बह रही है, पानी के जगह अगर दूध बहा दो तो बेटी ले जाओ, इसलिए बारात लौट रहे हैं। क्या करें, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा काम कैसे कर पाएंगे, असंभव वाली बात है। नाना साहब ने कहा अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए बारात लौटाई जाती है, इतनी छोटी बात के लिए बारात लौटाए जा रहे हैं। लोगों ने कहा नाना पगला गए हैं क्या, नदी में दूध बहाना कोई सरल बात है क्या? नाना साहब ने कहा अरे तो बहुत छोटी बात है, जाओ लड़की पक्ष वालों को संदेश भेजो कि अपना पानी हटा ले, ये नदी का पानी हटा ले तो हम दूध बहाने को तैयार हैं, अभी दूध बहा देंगे। अब जाकर के इधर से कहा लड़का पक्ष वालों ने कि साहब आप नदी का पानी हटा ले, हम लोग दूध की व्यवस्था कर लिए हैं। लड़की पक्ष वालों ने कहा कि अरे चेक करो, जरूर कोई इसमें कोई बूढ़े आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, ये बूढ़े का ही कमाल है, जरूर कोई बुजुर्ग आए हैं, वरना जवानों जवानों की इतनी बुद्धि नहीं है, ये है बुजुर्गों का काम, जहां गाड़ी रुक जाती है वहां वो रास्ता निकाल देते हैं। तो ऐसे अनुभव होना चाहिए। केवल बाल पकने से कहा जाता है, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो एक बुजुर्ग ऊपर में लेटे हुए थे, तो लड़कों ने उस बुजुर्ग का बहुत मजाक उड़ाया उन लोगों का, जवान लोग बूढ़े का, और लोगों के मन में हुआ है कि यार चलो जंजीर खींचते हैं। तो लोगों ने कहा यार जंजीर खींचने का 500 रुपया दंड अपराध लिखा गया है। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो चंदा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, हो जाएगा कहीं हो गया तो। तो लोगों ने आपस में जैसे सत्संग करते हैं तो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, मिलजुल करके कार्यक्रम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो लोग साथियों ने दे दिया, चंदा इकट्ठा किए तो 1000 रुपया हो गया, कहे धरो 1000 रुपया और जंजीर खींचो। जंजीर खींच दिए, गाड़ी रुक गई, पुलिस आ गई। और जब पुलिस आ गई तो पुलिस ने वहां धमकाया कि किसने जंजीर खींचा। अब पुलिस को देख करके जवानों की हक्का पक्का बंद, लोगों ने डर के मारे कह दिया, बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो ऊपर सीट में लेटा हुआ था। जवान ने उस बूढ़े को उठाया और कहा कि बूढ़ा होकर के तुमको इतनी अकल नहीं है, शर्म भी नहीं आती, जंजीर खींचते हो? बूढ़े ने सोचा कि जंजीर तो मैंने नहीं खींचा, जमालों ने खींचा है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैंने नहीं खींचा है साहब, तो यहां मानने वाला तो कोई है नहीं। बूढ़े ने तुरंत दिमाग लगाया, बूढ़े ने कहा कि साहब मैंने जंजीर तो खींची, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, तब मैंने खींची। पुलिस ने कहा कि क्या समस्या थी? उसने कहा कि इन जवानों ने मेरा 1000 रुपया छीन लिया है और ये लड़के ने रखा है। पुलिस ने चेक किया तो 1000 रुपया वो चंदा करके जो रखे थे को पकड़ा दिए थे, उसको चेक किया तो 1000 रुपया निकल गया, 1000 रुपया निकल गया। पुलिस ने उन लोगों को डांटा मारा और वहीं जब स्टेशन आया तो फिर लड़कों को वहां से स्टेशन से उतार कर कहां ले जा रहे थे,
थाना। और जब थाना ले जा रहे थे तब बूढ़े ने नीचे उतर करके गेट में खड़े होकर के अपने पके दाढ़ी में हाथ फेर करके कहा कि बेटा ये जो बाल पका है ये धूप में नहीं पका है, अनुभव से पका है। किससे पका है? अनुभव से पका है। ये है बुजुर्गों की शोभा साहब। केवल बाल पक जाने से कोई बुजुर्ग नहीं हो जाते हैं, कोई अनुभव ज्ञान नहीं हो जाता है। अनुभव ज्ञान करना पड़ता है, लाना पड़ता है। उसके लिए बहुत से माध्यम है, उसमें से एक माध्यम है ये सत्संग। सत्संग एक माध्यम है जहां हमारे दोष दुर्गुणों का और अच्छाई का वर्णन किया जाता है। हमारे दोष क्या है यहाँ बताए जाते हैं, और हमारे गुण क्या है ये भी बताए जाते हैं। यहाँ गुण और अवगुण दोनों को परखाया जाता है। और ये चीज हमें परखना है। जितना हम अपने दोषों को दूर करते जाएंगे उतना ही हम अनुभवी होते जाएंगे। जितने ही हम सांसारिकता को बारीकी से देखेंगे उतना ही हमारी दृष्टि में परिवर्तन होता जाएगा, उतना ही हमारे अंदर समझ आती जाएगी। समझ तब जब तक नहीं आएगी तब तक जीवन में दुख ही झेलना है। जहां समझ खत्म होती है या ना समझी वाला जब हम काम करते हैं वहीं पर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मार पीट मुकदमा शुरू होता है। राम को कहा गया 14 वर्ष के लिए वनवास, अब वो तैयार हो गए। उसकी समझ देखिए, अगर वह वहां पर समझदारी नहीं रखते हैं, राज्य का मोह अगर करते हैं, पद का मोह करते हैं, धन का मोह करते हैं, तो वहां पर वह लंका फिर जाने की जरूरत नहीं थी। लंका कांड वहीं हो जाता, लंका कांड अयोध्या में हो जाता। लेकिन राम की विशेषता उसने समझदारी से काम लिया और एक ही इशारे पर वह 14 साल के लिए वनवास चला गया। भगवान बुद्ध के पास भी यही समस्या खड़ी हुई। गृह झगड़ा छिड़ा हुआ था और वह उसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ये नियम रखा गया या तो छत्री राज्य छोड़ करके चला जाए या तो फिर हथियार पकड़े और मैदान में उतर जाए। उनको यह अच्छा नहीं लगा, उसका जी उसके अंतरात्मा धिक्कारती थी और उसने निकल गए घर छोड़ करके। ये समझ जितनी जल्दी आएगी, जो आप मंच में देखते हैं, जो हमारे संत लोग बैठे हुए हैं, ये यही समझ का परिणाम है। जिस चीज को लोग जीवन भर समझ नहीं पाते हैं उन चीजों को ये संत महात्मा 13 साल 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल की भरी जवानी में अनुभव कर लेते हैं। उन चीजों को जो जीवन भर समझ नहीं पाते हैं उन चीजों को ये संत महात्मा लोग भरी जवानी में समझ जाते हैं। जबकि भरी जवानी में लोग नाना प्रकार के सांसारिकता के सपने देखते हैं, उन सपनों पर पैर रख करके ये संत महात्मा अपनी समझ की बलबूते पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के रास्ते पर चल देते हैं, गुरु दरबार की तरफ चल देते हैं। इस समझ का परिणाम है। ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक संसार के दुख हमें दिखेगा नहीं और उन दुखों से हम अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकृति इस शरीर को पका रहे हैं और मन को हमें पकाना पड़ेगा ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है वैसे ही, और जितना ही इसके लिए एक सत्संग माध्यम है और इसमें हम लोगों का सौभाग्य है, संत गुरुजन आए हुए हैं, उन लोगों के ज्ञान अनुभव से हम अपने अनुभव को और समझ को जागृत करना है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव।